और चलिए मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो भोपाल से हमारे संवाददाता कपिल मिश्रा मतदान केंद्र में मौजूद हैं, उनसे जिक्र कर लेते हैं। कपिल, जिस प्रकार की तस्वीरें हम देख रहे हैं, भोपाल काफी प्रतिष्ठित सीट मानी जा रही है, आप मतदान केंद्र में मौजूद हैं, किस उम्मीद के साथ वहां पर मतदाता पहुंचे हैं? जी कपिल, कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से साध्वी प्रज्ञा सिंह मैदान में है और जो यहाँ के मतदाता है वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्र पहुंच चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त हम ओल्ड सिटी के हमीदिया कॉलेज में मौजूद है, जहाँ पर ये मतदाता पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और आज हम इससे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? जिस तरह से भोपाल में लोकसभा सीट से काफी बहुत सीट मानी जा रही है, दिग्गज सिंह कांग्रेस प्रत्याशी तौर पर हैं, साबित करते हैं, तो क्या लग रहा है मुकाबला कैसा होने वाला है? वोट डालने में कोई समस्या आ रही है क्या? पर्चे नहीं मिल पा रही है साहब, पर्चे नहीं मिल पाई, घंटे पर फर्क। आपको क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, सब प्रधानी वोट चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बढ़िया काम हो रहा है। कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी आपने मत वोट डाल दिया है, कैसा फील कर रहे हैं? पहली बार वोट किया क्या? आप यंग हैं, क्या इस सबको मैसेज देना चाहेंगे आपको लेकर? यही है कि आगे का वोट करें, थोड़ा कोई एक्सक्यूज है, अगर कोई भी मिस करता है तो फिर बाद में शिकायत ना हो कि भाई हम लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं युवा भी जागरूक अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर और भी कुछ यहाँ पर मौजूद है। सज्जन सर, वोट डाल चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? जो उसकी समस्या उनको जो आसानी से सॉल्व कर सकता है उसके प्रति हमारा नरम रुख है, उसके लिए हमने वोट किया। मैडम, सुबह सुबह आखिर क्यों? सुबह सुबह इसलिए कि सुबह आसानी रहती है और हम लोगों को महिलाओं को घर में काम करना होता है किचन विचन में, तो फिर लेट क्यों है? इसलिए सबसे पहले वो अपना कर्तव्य पूरा करें, उसके बाद में घर के दूसरे काम करें। क्या लगता है भोपाल सीट की बात करें तो क्या लगता है आपको मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है? मुकाबला सर टक्कर का होने वाला है, हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करते हुए आराम देते हैं। बिल्कुल, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। मैं बिल्कुल, क्या समस्या आपको? कुछ लोगों को समस्याएं भी यहाँ पर आ रही, क्या समस्या आ रही है? फोटो मतदाता पर्ची है मेरे पास, अब आप आधार कार्ड लाइए, आईडी कार्ड लाइए, अब नहीं लेगा तो दी नहीं, हमारी पर्ची आई थी, पर्ची से हम वोट डालने, उन लोग आप नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा में नहीं डालना तो घर जा रहे। आईडी मांग, बिल्कुल कहीं ना कहीं एक आईडी प्रूफ एविडेंस मांगा जा रहा है, परिचय पत्र के अलावा कुछ और भी सज्जन मौजूद है क्या? कुछ युवा मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप वोट डाल दिया आपने? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे वोट को लेकर? वोट को लेकर यही कहना चाहेंगे कि सब लोग अपने घर से निकलें और वोट डालें ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और घर वालों को भी लेके आए अपने, जिससे अपने राष्ट्र में तरक्की हो, कुछ हो। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार अंदर का नजारा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं। सीधे ये समय हमीदिया कॉलेज में मौजूद है जहां पर मतदान चल रहा है। यहां पर तो आप देख पा रहे हैं, यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात आपको दिखाई दे रहे हैं सुनीता जी। और साथ ही बात करें तो यहां पर जो लोग हैं बताया गया यहां पर